गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है नवंबर महीने की 12 तारीख और हम लोग जा रहे हैं चेरापुंजी की तरफ। मेरा वीडियो शूटिंग का काम है और जगह भी देखनी है हम लोगों को। अभी हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी से। शिलांग पहुंचने से पहले ही इन लोगों को ठंडा लगने लगी। ये है लेक उमियाम, लेक बड़ा पानी भी बोलते हैं इसको। पानी कितना नीला है। हम लोग ऑलरेडी शिलांग पहुँच गए हैं। शिलांग क्रॉस करने के बाद ही सीनरी चेंज होने लगी, घरों की संख्या कम होने लगी, आसमान भी बहुत साफ है और वेदर भी ठंडा है। रास्ते से जाते हुए ऐसे बहुत से व्यू पॉइंट्स दिख जाते हैं चेरापुंजी की तरफ। वैसे ही एक व्यू पॉइंट में हम लोग रुक गए जगह देखने के लिए। यहाँ से नज़ारा तो देखिए कितना सुंदर है। सीढ़ियों से आप लोग नीचे तक जा सकते हैं। नीचे शायद एक रिवर है, लेकिन हम लोग तो अभी नहीं जा रहे हैं। यहीं पर थोड़ी देर बैठ के नज़ारा देखते हैं। एक डॉगी भी हमको यहीं पर मिल गया। ये है इस व्यू पॉइंट का नाम। शिलांग से निकल के अभी हम लोग चेरापुंजी पहुंच गए हैं। यहाँ पर तो घरों की संख्या बिल्कुल ही कम है। जितनी दूर तक दिखाई देती है एक भी घर नहीं है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हमारे होम स्टे में। यह है कास्केड होम स्टे। अंदर चल के देखते हैं हमारा रूम कैसा है। ये है हमारा रूम। रूम के पीछे है एक बैल्कनी और बैल्कनी से जो नज़ारा दिखता है वो कितना सुंदर है। চারিফালে ভিডিও তো মোক ভিডিও কর মই তোক ভিডিও করো शाम होने के लिए और कुछ ही देर बाकी है। अभी शाम को हमें मैगी और ऑमलेट ही खाना पड़ेगा, क्योंकि चेरापुंजी के ज़्यादातर होटल्स में दोपहर को लंच सर्व नहीं करते हैं। इस व्यू के सामने बैठकर नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ और है। ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है ये पानी की है। नीचे वहाँ पर एक झरना है। आज है हमारा यहाँ पर दूसरा दिन। अभी थोड़ी ही देर में सनराइज़ होने वाला है। कल रात तो बहुत ही ठंडा था। नवंबर महीने से ही यहाँ पर ठंडा हो जाता है, लेकिन नींद भी अच्छी आई।
अभी सुबह सुबह 6 बजे हम लोग निकल रहे हैं वाटरफॉल देखने। हमारे होम स्टे से थोड़ी ही दूर में है एक वाटरफॉल जिसका नाम है वेई साउदंग वाटरफॉल। इसी रास्ते से हमको थोड़ी दूर चल के जाना है, 15 से 20 मिनट। यहाँ पर लिखा हुआ है आप नीचे वाटरफॉल में क्या नहीं कर सकते हैं। ये है वाटरफॉल तक जाने का ट्रैक, इसी ट्रैक से हमको 15-20 मिनट तक नीचे उतरना है। ये सीढ़ियाँ बहुत ही छोटी छोटी है। ये डॉगी भी हमारे साथ ही चल रहा है। थोड़ी देर नीचे उतरने के बाद हमें एक व्यू पॉइंट दिखता है। यहाँ से वाटरफॉल कैसा है आप लोग देख सकते हैं। अभी तो हमें और भी नीचे उतरना है। यहाँ से तो सीढ़ियाँ भी ख़त्म हो गई है, ऊपर से गिर गए तो हाथ पैर कुछ भी टूट सकता है। अभी आ गए हैं बैम्बू स्टिक्स से बनाए हुए ऐसी सीढ़ियाँ। पानी है और फिसलन भी है बहुत ज़्यादा, इसलिए नीचे उतरते वक्त बहुत ही केयरफुल होना ज़रूरी है। फाइनली हम लोग नीचे तक पहुंच गए हैं और वो रहा वाटरफॉल। मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है शूटिंग के लिए। यहाँ से पानी कितना नीला दिखता है, पानी बहुत ही साफ है और बहुत ठंडा भी है। कितना अच्छा धूप निकला है, यहाँ लेट जाओ तो यहीं पर मेरे को नींद आ जाएगी। हमारा शूटिंग का काम हो चुका है ख़त्म और हम जा रहे हैं रूम। आज हमारा यहाँ पर है 3रा दिन और हम लोग सोच रहे हैं कि आज कहाँ पर घूमने जाए। यहाँ की मॉर्निंग्स कितनी ब्यूटीफुल है और इतनी शांत है। अभी हम लोग आ गए हैं पास की एक खुली जगह में। कितनी बड़ी खुली जगह है ये, दूर दूर तक कोई भी नहीं है।
किसी का भी घर नहीं है। हवा भी आज बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग आए हैं वाटरफॉल देखने। इस वाटरफॉल का नाम है लिंक्सियर फॉल्स। ऐसे ही सीढ़ियों से हम लोगों को थोड़ा दूर जाना है। थोड़ी देर चलने के बाद ही हमें वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई देने लगी। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है यहाँ। पानी बहुत ही साफ है। नीचे क्या है ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी बहुत ही ठंडा है। अभी तो पानी में नहीं उतर सकते। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम लोग आए हैं इस ढाबे में दोपहर का लंच करने के लिए। लंच करने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं सनसेट देखने के लिए। शाम होने के लिए और कुछ ही देर बाकी है। यह है नोखालिकाई फॉल्स। यहाँ ऊपर से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है और सनसेट भी दिख सकते हैं। आसमान तो देखिए कितना कलरफुल हो गया है। शाम को सनसेट देखने के लिए आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। रोड साइड पे ही ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए हैं जहाँ पर आप घर सजाने की चीज़ें और बच्चों के खेलने की चीज़ें, खाने की चीज़ें ऐसे खरीद सकते हैं। आज हमारे यहाँ पर आखिरी दिन है। ये लोग पता नहीं अंदर क्या देख रहे हैं। ये देखिए पिंक कलर के फूल, ये है चेरी ब्लॉसम्स। रास्ते से जाते वक्त ऐसे बहुत सारे लोकेशंस पे चेरी फूल दिखने को मिलेंगे। पहले कभी नहीं देखा था चेरी के फूल। ये फूल नवंबर और दिसंबर के महीने में खिलते हैं। पूरा पेड़ ही पिंक कलर का हो गया है। कितना सुंदर दिख रहा है।
ऐसे छोटे छोटे गांव के बीच से जाने का बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अभी पहुंच गए हैं हमारे चेरापूंजी ट्रिप के फाइनल डेस्टिनेशन में। अभी सुबह 8 बजे है, इसलिए एक भी दुकान नहीं खोले हैं। ऐसे ही रास्ते के साइड में छोटे छोटे टेम्पोरी शॉप्स लगाए हुए हैं। सुबह बहुत जल्दी आ गए, इसलिए हमारे अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है। इस जगह का नाम है लेटलम कैनियन। यहाँ से फिसल के नीचे गिर गए तो क्या होगा? गौर से देखने से पता चलता है वहाँ पर नीचे भी लोग रहते हैं, इतने नीचे। खाना खाने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं इस होटल में। यहाँ पर ट्रेडिशनल खासी खाना खा सकते हैं। राइस, दाल, सब्जी, फिश, मीट और पापड़। दोपहर का खाना खाने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर गुवाहाटी। इस बार के लिए चेरापूंजी ट्रिप में इतना ही।